उसके अंदर रास्ते में जब आवर करते हैं तो ये फिर और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अगर मैंने उनको फोन किया साक्षी आई सी दिस कमिंग और बजाय इसके लिए भी लुक लाइक उसके लिए हमारे ऊपर एक फैसला ठूसा गया और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं। मैंने कहा नियर हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं वो अंकल उन्होंने फौरन मेरी बात हालांकि अंकल लोगों ने पोस्ट किया उन्होंने कहा ये लिखिए अंकल वो दूसरा जगह मिलानी आज बोल रहा था मैंने आपको फॉरवर्ड किया कहते हैं कि अगर मुशर्रफ को लाने का फैसला आप ही करेंगे वो तो जिसने करना उसने करना वही करेंगे ये आप हमारा सैनिक नहीं बोल क्योंकि आज इस पर बहस हो रही है तो मैंने आपको दो तीन स्क्रीन शॉट्स के लिए फॉरवर्ड किया तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं। मैंने कहा
थोड़ा सेंट में बोला क्योंकि आज इस पर बहस हो रही है। तो मैंने आपको दो तीन स्क्रीन शॉट्स के लिए टीवी देख रही है। तो डीजे आई पी आर आए थे कामरान शाहिद के साथ दुनिया तो आठ बजे के प्रोग्राम मैंने देखा। कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए और अगर वो आना चाहे उनकी फैमिली में आना चाहे तो सेलिब्रेट करें। तो मैं डीजे आई सी पी आर तो मैंने वहां पर बैठू का सूट फोन कर लिया और मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है। तो उस वक्त हम पागल नहीं है अगर ये सोचते हुए कि जी ये फौज कर रही है जो कर रही है गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है इनसे किसी ने पूछा नहीं है और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये फिर और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अगर मैंने उनको फोन किया अमिताभ जी आई सी दिस कमिंग और बजाय इसके कि वी लुक लाइक फूल्स के लिए हमारे ऊपर एक फैसला ठूंसा गया और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने तो उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं। मैंने कहा नियर हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं वो उन्होंने फौरन मेरी बात हालांकि अगर लोगों ने पोज किया मैंने कहा ये अगर कोई दूसरा जगह मिलानी आज बोल रहा था मैंने आपको फॉरवर्ड किया कहते हैं कि अगर मुशर्रफ को लाने का फैसला आप नहीं करें